I hate waking up early. YouTube खोल लो, पॉडकास्ट सुन लो या फिर कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको सुबह जल्दी उठने की एडवाइस मिलती है. क्यों? बिकॉज ऑल द इन्फ्लुएंशियल पीपल आर डूइंग इट. बिल्कुल नहीं. Elon 1 to 7 AM सोते हैं, और चाहे वो बिल गेट्स हो, मार्क या फिर बफेट, इनमें से कोई भी ज्यादा जल्दी नहीं उठता. लेकिन इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है, और वो है सेट स्लीपिंग टाइम्स. आप में से बहुत लोग सुबह जल्दी उठने का ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स ईदर फॉर ट्रैवल और फॉर सम फंक्शन और फॉर सम एग्जाम. इन सिचुएशंस में या तो आपको एंग्जाइटी होती है या फिर एक्साइटमेंट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज्यादा जल्दी उठ जाती है और आपको कुछ पता भी नहीं चलता. लेकिन क्या आपने हर रोज सुबह 4 या 5 बजे उठने का ट्राई किया है? मैंने किया है, और मेरा कुछ मिक्स्ड एक्सपीरियंस था. तो इस वीडियो को मैं 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. और फर्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस. तो लास्ट मंथ मेरे कॉलेज के ऑफलाइन एग्जाम्स थे, और ऑब्वियसली 2 साल ऑनलाइन एग्जाम्स होने के बाद कोई कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली यूजलेस चीजें क्यों ही पढ़ेगा. तो मैं पूरी रात पढ़ता था, और एग्जाम से वापस आने के बाद कुछ 7 बजे के आसपास सो जाता था, और फिर से सुबह 3 बजे उठता था. और ये रूटीन 2 से 3 वीक्स चला. तो पहली चीज है कि जैसे मैंने 2 से 3 वीक्स किया, इट बिकेम सॉर्ट ऑफ अ हैबिट फॉर मी. लेकिन एग्जाम्स खत्म होते ही पता है क्या हुआ? मैं 7 बजे सोया ही नहीं, उसे 12, 1, 2 बजे तक ट्रैक करता गया. तो मैं 1 बजे के आसपास सोया, और अगले दिन फिर से 8 बजे उठा, और अगले दिन से फिर से मैं 8 या 9 बजे के आसपास उठना शुरू हो गया. तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे मेरे पास कुछ एक्सटर्नल फैक्टर नहीं था, जैसे एग्जाम का स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर कहीं पे भी जाने का एक्साइटमेंट. तो आपकी बॉडी उसके डिफॉल्ट रिदम पे वापस आ ही जाएगी, अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ विल पावर. लेकिन जब कभी भी मैं जल्दी उठाऊं, फर्स्ट डे तो अच्छे से निकल जाता है, लेकिन सेकंड या थर्ड डे आते आते आई डोंट गेट एज मच वर्क डन इन द मॉर्निंग. मे बी मेरी बॉडी दिन के बाकी टाइम्स पे ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर सकती है. और सेकंड पॉइंट इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, सो लेट्स हेड टू अवर सेकंड पॉइंट, व्हिच इज व्हाट साइंस सेज. तो ये बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स में से है कि दुनिया में प्राइमा फेसाई 2 टाइप के लोग होते हैं. तो फर्स्ट है मॉर्निंग बर्ड्स या फिर अर्ली राइजर्स, एंड सेकंड है नाइट आउल्स. लेकिन देर कैन बी मोर पर्सनालिटी टाइप्स, i.e. कुछ लोग मे बी मिडल ऑफ द डे या फिर इवनिंग में ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं. अब ये क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, जैसे पुराने जमाने में लोग ट्राइब्स और जंगल्स में रहते थे, तो उनमें से कुछ लोग सुबह काम करते थे, while some used to work at night, क्योंकि रात को जंगली जानवरों को बहुत खतरा भी होता था. तो जब एवोल्यूशन हुआ, हमारे अंदर भी हमारे एंसेस्टर्स के वो डे या फिर नाइट में वर्क करने वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. That's why almost half the people are considered as early risers and half are considered as night owls. अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जो है हेल्थ. दिन में अर्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ऑब्वियसली सन, जो कंट्रोल करता है आपका विटामिन डी और सर्केडियन रिदम. एंड इफ यू डोंट नो अबाउट सर्केडियन रिदम, ये एक बॉडी की क्लॉक की तरह होती है, विच डिसाइड्स योर वेकअप टाइम एंड स्लीपिंग टाइम. जो लोग अर्ली राइजर्स की कैटेगरी में आते हैं, सन कैन एक्चुअली हेल्प देम टू मेंटेन देयर सर्केडियन रिदम, टू वेक अप एंड स्लीप ऑन टाइम. एंड कमिंग टू विटामिन डी, अगर आपको इनफ विटामिन डी नहीं मिलता तो आपके बोन्स होंगे वीक. एंड विटामिन डी इज नॉट जस्ट अ सिंगल फैक्टर, और भी बॉडी के बहुत सारे फैक्टर्स एंड विटामिंस हैं व्हिच आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन विटामिन डी. सो इवन इफ यू आर ईटिंग समथिंग, द गुड स्टफ मे नॉट बी मेटाबोलाइज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी. और मुझे इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन आपको बातों समझ आई गई होगी. तो अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, विच इज सोसाइटल नॉर्म्स. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न एज में सबके लिए ये तो पॉसिबल है नहीं कि यू विल गेट टू वर्क ओनली एट नाइट और इन मॉर्निंग. एंड बाय द वे, लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं. एंड समवेयर नोइंगली और अननोइंगली यू मे नॉट बी लिविंग अप टू योर पोटेंशियल. अगर जॉब्स एंड बिजनेसेस आपको एक ऑप्शन दे कि यू कैन ईदर वर्क एट नाइट और इन मॉर्निंग, मे बी आप दोनों ऑप्शंस को एक एक महीने के लिए ट्राई करके यू कैन चूज व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, विच इज एक्सपेरिमेंटिंग. आप बस 1 या 2 वीक्स के लिए बस ट्राई करके देखिए व्हाट वर्क्स फॉर यू, ऑब्वियसली फिर वर्क परमिट्स फॉर इट. तो 2 वीक्स के लिए आप मे बी सुबह 4 या 5 बजे उठो और रात को 8 या 9 बजे सो जाओ, और अदर 2 वीक्स में आप सुबह के 5 बजे सो जाओ और 12 से 1 बजे के आसपास उठ जाओ, एंड जस्ट सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. और मैं खुद भी थोड़े दिनों के बाद दोनों रूटीन्स को ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऑब्वियसली द ग्रेट यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी डन दैट, हियर इज अ क्यूट पांडा फॉर यू, एंड आई विल सी यू सून.